यंत्र है क्या? हम सबके बचपन से ही, आप सबने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा ना, श्री यंत्र की एक फोटोग्राफ लगाकर उसकी यंत्र की पूजा करते हुए। हम सबके मन में जब बड़े होते रहे ये विचार आया होगा कि यंत्र क्या है, किस लिए हम इसकी पूजा कर रहे हैं। पंडित जी ने बोला कि हाँ भाई, इससे आपको लक्ष्मी मिलेगी। कैसे लक्ष्मी मिलेगी? फोटो पे एक यंत्र आपको कैसे लक्ष्मी देगा? ये होती है बात नॉलेज की। नॉलेज एक लाइट है। जब तक उस कोई वस्तु लाइट में होती है ना, हमें दिखाई देती है, लेकिन क्या अंधेरे में आपको कुछ दिखाई देगा? वस्तु तो वहीं रहती है, राइट? वस्तु वहीं रहती है, लेकिन अंधेरे में आपको जो अवेलेबल है वो भी दिखाई नहीं देता। बट श्री यंत्र विद्या इज द लाइट ऑफ नॉलेज, जो है हमारी सृष्टि में और प्रकृति में, आपको सब दिखाई देगा। आपके साथ मिरेकल्स होने लगेंगे। जब एरोप्लेन नहीं बना था, क्या ये टेक्निक नहीं थी? इट वाज ऑल देयर। लेकिन जब नॉलेज आई टू कनेक्ट एंड कंबाइन, तब हमें उसका यूज करने को मिला। क्या रामायण के वक्त ये टेक्निक नहीं थी? पुष्पक विमान जो था, किस टेक्निक पे चलता था? टेक्नोलॉजी तो तब भी थी, करेक्ट? एम आई करेक्ट? मेरे साथ आप सब लोग प्लीज कन्वर्स करते रहिए। आपके जो पॉइंट्स है, आई वुड लाइक एवरीवन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट विद मी। बहुत मजा आएगा। ओके श्री विद्या है आपस में बात करने के लिए। श्री विद्या है आप में भी, वो श्री विद्या है मुझ में भी, वो श्री विद्या है। श्री विद्या अपने आप को पहचानने के लिए। आज भाई, आप अपने एक-एक एनर्जी लेवल को पहचानेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं शायद आपको दीक्षा नहीं दे पाऊँ, लेकिन वो शिक्षा जरूर दूंगी, जिसका जिसके कारण आपको दीक्षा, आपको हो सकते गुरु की इच्छा भी हो और दीक्षा लेने की भी इच्छा हो। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और आप यकीन मानिए, ये जो स्टेप है ना, आपका आज से नहीं होगा, प्रकृति आपको, यूनिवर्स आप सबको, अगर आप सब लोग इस वेबिनार में आए हैं, कभी ना कभी कुछ सालों से कुछ आपको हिंट दे रही होगी, इन द फॉर्म ऑफ सीड ऑफ लाइफ, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर ऑफ लाइफ, इन द फॉर्म ऑफ यंत्रा, कहीं ना कहीं वो आपको अपने करीब बुला रही होगी। श्री यंत्रा की तरफ जाइए, सत्य को पहचानिए, राइट। राइट?